और दोस्तों, तो कैसे हो आप? इस वीडियो में हम मेजर टाइप ऑफ विंड जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम जनरेटर के थोड़े टाइप्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देखेंगे। बाद में नेक्स्ट वीडियो में हर एक जनरेटर में डीप में बात करेंगे, उसका पावर फ्लो डायग्राम, जनरेटर को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट टाइप है परमानेंट मैग्नेटेड डीसी जनरेटर। ये जनरली 1 किलोवाट, 5 किलोवाट छोटी विंड टर्बाइनों के लिए ये वाला जनरेटर यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कम करेंगे, और ज़्यादा मेनली फोकस अपना सिंक्रोनस जनरेटर और अनसिंक्रोनस जनरेटर पर रहेगा, क्योंकि वो यही दो टाइप्स है जो अपने जो विंड पावर स्टेशन है और विंड फार्म है उसमें इसी टाइप के जनरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो उसमें सेकंड टाइप आता है सिंक्रोनस जनरेटर। ये वाला जनरेटर एनार्कोन जो विंड की कंपनी है वही यूज़ करती है। इसमें वो ये जनरेटर थोड़ा अनसिंक्रोनस से इसकी साइज़ बड़ी रहती है, और इस जनरेटर जो विंड टर्बाइन में यूज़ होते हैं तो उस विंड टर्बाइन की स्पीड कम रहती है, क्योंकि इसमें है ना पोल ज़्यादा रहता है। क्योंकि पोल ज़्यादा रहने के कारण इसमें हम गियर बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। इस टर्बाइन के जो जनरेटर है उसका एडवांटेजेस यही है कि इसमें इस टावर है टर्बाइन का, उसमें वाइब्रेशन कम है। वाइब्रेशन क्यों कम है? क्योंकि गियर बॉक्स है नहीं। और गियर बॉक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम पोल ज़्यादा यूज़ किए हैं, और पोल ज़्यादा यूज़ करने से हमारा रोटर के आरपीएम भी कम है। इसके जनरली 20 या 24 आरपीएम तक रहते हैं। और ये आरपीएम क्यों कम रहते हैं और पोल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम जो अपना NS इज इक्वल टू 120 F/P जो सिंक्रो स्पीड का फॉर्मूला है उसमें हम पोल की मात्रा बढ़ा देंगे तो रोटर के आरपीएम कम हो जाएंगे। तो इसी बेस पे ये जनरेटर वर्क करता है। और ये विंड जनरेटर का तीसरा टाइप है अनसिंक्रोनस जनरेटर। और इस जनरेटर को अनसिंक्रोनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा रहते हैं। मींस कि सपोज कि जो अपनी जो 3 फेज स्टेटर है उसको हमने सप्लाई दिया और उसके सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम, जो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है उसके आरपीएम 1500 आरपीएम है। तो ये जनरेटर के जो रोटर है उसका आरपीएम 1501, 1510 या उससे ज़्यादा, जैसे मान लो कि सपोज़ कि 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड है तो उसका जो रोटर का आरपीएम है उससे ज़्यादा ही रहेगा, और तो ही ये जनरेटर जनरेशन निकालेगा क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से अबव चलता है। और ये जनरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे जी, सुजलोन, वेस्टास, गामेसा, ये इसी टाइप का जनरेटर यूज़ होता है। ये जनरेटर के आरपीएम 1500 1870 तक रहते हैं, और ये फोल पोल के जनरेटर रहते हैं, और साइज़ में ये छोटे रहते हैं। और इस जनरेटर में गियर बॉक्स लगाने की ज़रूरत रहती है क्योंकि इसके आरपीएम 1500 या 1800 रहते हैं, और इसमें 1:90, 1:98 का वाला रेशियो का गियर बॉक्स की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अनसिंक्रोनस जनरेटर के दो टाइप्स रहते हैं, स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन जनरेटर और दूसरा स्लिटरिंग रोटर इंडक्शन जनरेटर। ये दोनों जनरेटर दिखने में अपनी मोटर जैसे ही रहेंगे। इसमें कुछ कुछ थोड़े चेंजेस रहेंगे, बाकी ये सेम मोटर जैसे ही रहे। जैसे मोटर के अपने नहीं रहते स्क्विरल केज रोटर वाली मोटर, वो सेम उसके जैसे ही रहते हैं दिखने में। बट इसमें हम विंड टर्बाइन में हम क्या उसको सिंक्रोनस स्पीड से अबव घुमा के इसमें जनरेटर बनाते हैं। स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन जनरेटर में दो टाइप्स रहते हैं, ये सिंगल स्पीड जनरेटर। ये सिंगल स्पीड पे ये जनरेटर जनरेशन निकलता है। ये जनरली छोटी विंड टर्बाइनों के लिए है, जैसे 250 किलोवाट से 600 किलोवाट, इस टर्बाइन में इसी टाइप का जनरेटर यूज़ होता है। और दूसरा है ड्यूअल स्पीड जनरेटर। ड्यूअल स्पीड जनरेटर में ये जनरेटर ऐसा है जो 2 आरपीएम में अपना ये आउटपुट जनरेटर निकालता है। जैसे हाई स्पीड विंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी उसमें भी जनरेटर जनरेशन निकालेगा, और विंड की स्पीड कम रहेगी तो भी ये जनरेशन निकालेगा। तो इस हिसाब से इससे थोड़ा अपग्रेड वर्जन है। जनरेटर सेम ही है लेकिन इसमें वाइंडिंग ज़्यादा रहते हैं। मीन्स इसमें 2 पोल रहते हैं, मीन्स एक 4 पोल का सेट रहता है और दूसरा 6 पोल का जनरेटर रहता है। जैसे ही पोल बढ़ेगा तो उसकी स्पीड कम रहेगी, NS=120 F/P के फॉर्मूला से हिसाब से। जैसे पोल बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो 4 पोल में भी जनरेटर जनरेशन निकालता है और 6 पोल में भी ये जनरेटर जनरेशन निकालता है। और दूसरा जो अनसिंक्रोनस जनरेटर है उसका दूसरा टाइप है स्लिप रिंग रोटर इंडक्शन जनरेटर। और ये जनरेटर में के अंदर भी 2 टाइप रहते हैं, मीन्स जो मेथड रहती है। स्लिप रिंग रोटर इंडक्शन जनरेटर में भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक डायनेमिक स्लिप स्पीड इंडक्शन जनरेटर और उसको फ्लेक्सी स्लिप जनरेटर भी बोला जाता है। ये थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये अपना 1.5 2.5 मेगावाट के जनरेटर में यूज़ होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है, इसको भी अभी यूज़ में नहीं होते हैं। जो पुराने टर्बाइन है
उसका मेंटेनेंस वो सब करते हैं। और दूसरा टाइप से जो डबली फेड इंडक्शन जनरेटर, इसको DFIG जो शॉर्ट में बोला जाता है। इसको DFIG क्यों बोला जाता है? रोटर एंड स्टेटर आर बोथ कनेक्टेड टू ग्रिड, हेंस कॉल इट DFIG। मींस कि जो उसका रोटर और स्टेटर, वो दोनों जो अपनी ग्रिड रहती है, जो हम ग्रिड को पावर देते हैं या लेते हैं, तो वो उसका रोटर भी ग्रिड के साथ कनेक्ट है और स्टेटर भी ग्रिड के साथ है, तो इसलिए इसको डबली फेड इंडक्शन जनरेटर यूज़ होता है। ये अपडेट टेक्नोलॉजी है और ये लेटेस्ट अभी जो नई टर्बाइनें हैं उसमें यूज होते हैं। इसके एडवांटेजेस, एफिशिएंसी, वो सब ज़्यादा है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरा हर एक जनरेटर के जो पावर फ्लो डायग्राम, जनरेटर की स्टार्टिंग मेथड और विंड टर्बाइन की जो एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा, उसमें ये एक वाइज सारे जनरेटर का डीप में डिस्कशन करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन ये मोस्टली ये इम्पोर्टेंट जनरेटर है, ये बहुत यूज़ होने वाला जनरेटर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने सिर्फ विंड टर्बाइन के जो मेजर टाइप्स है उसके बारे में देखा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं हर एक जनरेटर के जो स्टार्टिंग मेथड है, उसका मीन्स कैसे वर्क करता है, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, और इसका जो मीन्स पावर फ्लो वर्क कैसे करता है, इसमें कैपेसिटर बैंक है या नहीं। इस जनरेटर में, ये सारे जनरेटर में कैपेसिटर बैंक की यूज़ होता है, मीन्स इसमें 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 इसमें, बट DFIG में वो कैपेसिटर बैंक की ज़रूरत नहीं है पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। तो